आपके सामने आएगी तो उसमें आप सारे इंटीजर चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ये देखने से पता चल रहा है ना, ये जो बॉक्स है ये तो सिर्फ इंटीजर पे ही डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, उसके अलावा तो ये कभी डिसकंटिन्यूअस होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, जनरल एक इंटीजर एन ले लेंगे और एन पर ही सारा कुछ चेक कर लेंगे। तो इस टाइप की सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जनरल एक इंटीजर एन मान लेंगे, है ना। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एफ ऑफ एन निकाला जाता है, तो एफ ऑफ एन आ गया एन का बॉक्स का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का बॉक्स, तो ये भी एन स्क्वायर, ये भी एन स्क्वायर, यानी जीरो आ गया। इसके बाद हम निकाल लेंगे इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो बॉक्स ऑफ एन माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस बॉक्स ऑफ एन माइनस एच के स्क्वायर का बॉक्स। अच्छा, जब आप एन माइनस एच के होल स्क्वायर का बॉक्स करेंगे, एन माइनस एच के होल स्क्वायर का बॉक्स कैलकुलेट करेंगे, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू एन से जस्ट छोटी होगी। एन से छोटी जस्ट वैल्यू का बॉक्स क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, तो ये तो एन माइनस वन आ जाएगा। अच्छा, यहाँ देखो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो ये वाला हो गया बॉक्स ऑफ एन स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एन एच। अच्छा, एच जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, मैंने आपको बताया जब एच जीरो की तरफ टेंड करता है तो एच स्क्वायर और टू एन एच में ग्रेटर क्या हो जाएगा, टू एन एच। तो ये जो वैल्यू है एच स्क्वायर माइनस टू एन एच की, ये वैल्यू तुरंत क्या आ जाएगी, निगेटिव। निगेटिव आते ये पूरी वैल्यू एन स्क्वायर से जस्ट क्या हो जाएगी, छोटी। एन स्क्वायर से जस्ट छोटे नंबर का बॉक्स कितना हो जाएगा, बोलिए। अगर एन स्क्वायर एक इंटीजर है और उससे जस्ट छोटा नंबर है, एन स्क्वायर एक इंटीजर है और उससे जस्ट छोटा नंबर है, तो उसका n बॉक्स आप स्क्वायर तुरंत माइनस एन वन स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। स्क्वायर माइनस अब इसको आप एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर प्लस वन लिखेंगे तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो टू माइनस टू एन आ जाएगा। अच्छा, यहीं पे अगर आप राइट हैंड डेरिवेटिव इसका कैलकुलेट करेंगे तो आएगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो बॉक्स ऑफ एन प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एन प्लस एच के स्क्वायर का बॉक्स। ये बार एक दो बार आप जब ये लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बार बार आपको इतना कैलकुलेशन वहाँ लिखना नहीं पड़ेगा, आप सीधा एन माइनस एच से सोच के एन माइनस वन लिख पाएंगे वहाँ पे। अब जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो जैसे एन स्क्वायर आएगा, और ये वैल्यू अब जो आएगी वही सेम लॉजिक से एच स्क्वायर, अब सब प्लस में आ जाएगा, तो एन स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एन एच आएगा। अब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और ये एन स्क्वायर से जस्ट बड़ा होगा, तो इसका भी बॉक्स एन स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वैल्यू जीरो आ जाएगी। अब हमने कहा कंटिन्यूटी होने के लिए क्या होना चाहिए, भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड डेरिवेटिव तीनों सेम हो जाने चाहिए। तो वो तीनों सेम एन इक्वल टू वन पे हो रहे हैं, यानी ओनली वन इंटीजर विच इज कंटिन्यूअस, उसके अलावा बाकी सारे इंटीजर क्या है, डिसकंटिन्यूअस। समझ में आया कि नहीं लॉजिक, तो इसका मतलब कंटिन्यूटी सिर्फ कहाँ पर आ रही है, ओके वन पे, बाकी सब जगह वो डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। तो इसका आंसर शायद बी दिया, उसको सही कर लीजिएगा, वो डी आएगा। अब समझ में आया, तो जब भी ऐसी सिचुएशंस आएगी, बॉक्स ऑफ एक्स की बात आएगी, तो बॉक्स ऑफ एक्स हमेशा कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, इंटीजर पे, उसके हिसाब से आप चीजें एनालाइज कर लेंगे। समझ में आया, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना बॉक्स ऑफ एक्स इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है, बॉक्स हो गया। जैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लीजिएगा कहीं, जैसे बॉक्स ऑफ एक्स हो गया, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया, सही है ना, ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं कहाँ पे, एट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सारे फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस होते हैं, जहां पर एक्स क्या हो जाता है, इंटीजर हो जाता है। समझ में आया, तो अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करें, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या करें, जनरलाइज करें, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर बॉक्स ऑफ एफ एक्स आ जाए, सही है, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स आ जाए, तो ये कहाँ डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं, बोलिए। मे बी डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे, जहां पर एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर। मतलब ये उसी एक्स पर डिसकंटिन्यूअस होंगे जहां पर एफ एक्स क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, मे बी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाए। मे बी मैंने ऐसा लिखा कि हो सकता है आप उस सिचुएशन लिए कि वो बाउंड्री पॉइंट है या उसमें क्या मल्टीप्लाई है, वो सब चीजें पॉसिबल है, बट अगर कहीं डिसकंटिन्यूटी आएगी तो वो वहीं आएगी जहां पर एफ एक्स क्या होगा, इंटीजर। अदरवाइज उसके अलावा और किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बोलिए हाँ या ना। हाँ यस सर, अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन आया यस इस बार, सर, देखिए अब ये क्वेश्चन आया, इसमें एक फंक्शन एक्स है और एक फंक्शन क्या है भाई, एक्स बाई टू है। एक फंक्शन एक्स है और एक फंक्शन क्या है, एक्स बाई टू है, दिखा क्या। तो अब एक्स हमेशा कैसा होता है,
एक्स हमेशा कैसा होता है, कंटिन्यूअस, तो इसका तो लोड खत्म हो गया। बॉक्स ऑफ एक्स बाई टू कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा बोलो? बॉक्स ऑफ एक्स बाई टू जो फंक्शन है वो कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा बताओ, बोलिए जल्दी से। जहां पर एक्स बाई टू क्या बनेगा, इंटीजर, यानी एक्स जो है वो इवन इंटीजर होना चाहिए। अब तुरंत हम क्या करेंगे, -10 से 10 के बीच के इवन इंटीजर काउंट कर लेंगे। अरे हाँ या ना, तो आपको तुरंत सारे इवन इंटीजर कितने मिल गए बोलिए? इवन टेन इवन इंटीजर आप काउंट करो, इवन इंटीजर बेटा। इवन इंटीजर -10, हाँ भाई, टोटल इवन इंटीजर आपको कितने मिल गए जल्दी बताओ? 10 मिल गए क्या? 11 मिल गए, सोचो। -10, -8, -6, -5, ये -4, सर 11 होंगे। सॉरी -11 मिले ना, यस सर, -4, -2, -1, सॉरी -1 नहीं, 0, -10 थोड़ी ना होगा। 2, 4, 6, 8 एंड 10। अच्छा -10 से 10 के बीच में आ रहे हैं तो ये भी नहीं होगा, बोलो भाई। -10 से 10 के बीच में तो टोटल कितने आ गए, 9 इंटीजर आ गए कि नहीं आ गए, दिखा सबको। यस सर, यहाँ तक ओके हो गया। अच्छा अब देखो, मैंने आपसे बताया जहाँ भी डिसकंटिन्यूटी होगी वो इन्हीं पे होगी, इसके अलावा बाकी सब जगह ये दोनों कंटिन्यूअस है। तो आपने पढ़ा था दो अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा, तो हमारे लिए सस्पिशियस डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ये हो गए। अच्छा एक्स इक्वल टू जीरो जो पॉइंट है उस पर अगर आप चेक करोगे तो जीरो पर ये वैल्यू लेफ्ट में भी जीरो होगी, राइट में भी जीरो होगी, बिकॉज ऑफ दिस एक्स। हाँ है ना, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो कैसा पॉइंट हो जाएगा, कंटिन्यूअस पॉइंट। बोलो भाई क्यों ऐसा कंटिन्यूअस हो गया, समझ में आया क्यों? क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो पर एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस और एफ ऑफ जीरो माइनस हमेशा क्या आ गया, जीरो। तो टोटल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कितने आ गए बताइए? अरे बोलो भाई, एट एट क्या ये बात सबको समझ में आई, टोटल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट 8 कितने हो गए? आंसर 9 नहीं, कितना होगा भाई? 8। 8 क्यों होगा ये समझ में आया सबको? क्यों? क्योंकि एक पॉइंट ऐसा है एक्स इक्वल टू जीरो जो कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि इस एक्स की वजह से, ये जो बाहर एक्स लिखा है ना, इस एक्स की वजह से एक्स इक्वल टू जीरो जो पॉइंट है वो आपका कंटिन्यूअस काउंट हो गया। हाँ या ना, और सर, जो हाँ बॉक्स में एक्स बाई टू है उसमें अगर जीरो रखेंगे तो वो तो जीरो देगा ही ना, जीरो प्लस जीरो देगा, जीरो माइनस पे वो -1 देगा, बट ये हमेशा क्या दे देगा, जीरो, इस वजह से जीरो आ गया। आप समझे कि ओके। नहीं भाई? ये वैल्यू, ये तो जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है सेपरेटली, बट इसमें जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी वजह से ये जीरो पे कंटिन्यूअस हो जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी उसके अलावा बाकी सब जगह लेफ्ट और राइट पे वैल्यू डिफरेंट आ रही है, उसकी वजह से ये एक्स कभी प्रॉब्लम कर नहीं रहा है, तो इसलिए जीरो को हमने कंटिन्यूअस पॉइंट अलग से काउंट कर लिया है। तो टोटल 9 पॉइंट डिसकंटिन्यूअस हो सकते थे, बट उसमें से एक पॉइंट कंटिन्यूअस हो गया, तो टोटल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कितने बचे, 8। अच्छा एट डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ आ सकती थी, जहां पर ये बॉक्स ऑफ एक्स बाई टू क्या क्या बन सकता था, इंटीजर, उसके अलावा बाकी सारे पॉइंट हमारे लिए क्या होंगे, कंटिन्यूअस। उसके अलावा बाकी कभी भी किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी का स्कोप नहीं है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई भाई? अच्छा इसके बाद, यस सर, हाँ इसके बाद एक सिचुएशन डिसकंटिन्यूटी में ऐसी भी आ सकती है, जैसे ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि जैसे आपके सामने एफ एक्स फंक्शन दिया गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स और आपसे पूछा गया फाइंड ऑल पॉसिबल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। सर स्क्रीन टेढ़ी हो गई नहीं भाई तुम्हें सर, प्रॉब्लम है होगी, बाकी सर, सबको भी कोई है। प्रॉब्लम अगर हमको एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो आपको सारे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट एफ ऑफ एफ एक्स के बताने। तो पहली चीज तो ये कंपोजिट फंक्शन है, पहली चीज तो ये कंपोजिट फंक्शन है। जब भी आपको डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकालना रहेगा तो आप एफ ऑफ एफ एक्स पूरा पहले फंक्शन कैलकुलेट करोगे, फिर उसके डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकालोगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम एफ ऑफ एफ एक्स निकालेंगे, तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एफ एक्स। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स -1, तो
तो क्या वो x माइनस वन बाई एक्स आ जाएगा? हाँ या ना। इसके बाद आप कैलकुलेट करोगे एफ ऑफ एफ एक्स, तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स माइनस वन अपॉन एफ एक्स, मैंने बताया ना कंपोजिट में आप सीधा एक्स की जगह एफ एक्स रख देते हैं, तो वन अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स, तो ये सिंपलीफाई होके एक्स आ जाएगा कि नहीं, बोलिए भाई। ये सिंपलीफाई होके आपके सामने क्या आ गया? एक्स आ गया। अब जैसे ये एक्स आया, आपने कहा कि भाई एफ ऑफ एफ एक्स जो फंक्शन आ रहा है वो तो एक्स आ रहा है, और ये फंक्शन कैसा है भाई? कंटिन्यूअस है कि नहीं है? यस तो सर। आपको पता है, तो एफ ऑफ एफ एक्स तो कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये श्योर हो गया। तो क्या टोटल पॉसिबल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है ही नहीं ना? अब इसमें देखिए क्या है, मैंने आपको बताया था ना, कोई भी फंक्शन जब एफ ऑफ एफ एक्स आप डिफाइन करते हैं तो वो वहां डिफाइन होता है जहां पर एफ एक्स भी तो डिफाइन हो। हाँ या ना। अब एफ एक्स खुद कहाँ नहीं डिफाइन है? वन पे। तो एफ ऑफ एफ एक्स भी कहाँ डिफाइन नहीं होगा? वन पे। तो यानी इस फंक्शन के लिए एक्स इक्वल टू वन एक डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा कि नहीं? अच्छा, एफ ऑफ एफ एक्स जो कैलकुलेट हुआ वो आया एक्स माइनस वन बाई एक्स, ये खुद कहाँ डिफाइन नहीं है? एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो और वन, ये दो ऐसे पॉइंट हुए, एक्स इक्वल टू जीरो पर एफ ऑफ एफ एक्स डिफाइन नहीं है, एक्स इक्वल टू जीरो पर एफ एक्स डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों पर एफ ऑफ एफ एक्स भी डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब इसके लिए डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या हो गए? सर क्या हो गए भाई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट? एक्स इक्वल टू जीरो एंड वन, ये क्यों हो गए? कॉज ऑफ डोमेन, ये क्यों हो गए? क्योंकि डोमेन का इश्यू था, इस वजह से हो गए। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो? सबको क्लियर हुई? बोलिए। यस सर। एक्स वन नहीं हो सकता, यहाँ से एक्स जीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर एक्स क्या क्या नहीं हो सकता? जीरो और वन। तो कई बार ऐसा होता है कंपोजिट फंक्शन के हिसाब से भी आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ जा सकती है कि कौन कौन से डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हैं एफ ऑफ एफ एक्स में। तो उसमें आप डोमेन में अगर कोई पॉइंट हट रहा है एफ ऑफ एफ एक्स के लिए तो वो आप डिसकंटिन्यूअस हटा देंगे। अच्छा, अब मैं अगर आपसे ऐसे एक स्टेटमेंट पूछूं कि एफ ऑफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस वेयर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, ट्रू या फॉल्स? f of fx is discontinuous at discontinuous where fx is discontinuous, true या false? True. हाँ भाई, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ये स्टेटमेंट बेटा फॉल्स है, ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे नहीं सर, अभी तो आपने कहा ये जो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है ना बेटा, ये डोमेन की वजह से है, क्योंकि ये पॉइंट इसकी डोमेन में ही काउंट नहीं हो रहा। तो ये पॉइंट, दोनों पॉइंट इसकी डोमेन में ही काउंट नहीं होंगे, इस वजह से डिसकंटिन्यूट आ रहे। ये इस वजह से डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही कि एफ एक्स डिसकंटिन्यूस है। भाई एफ एक्स की डिसकंटिन्यूटी से एफ ऑफ एफ एक्स की डिसकंटिन्यूटी का कोई लेना देना नहीं है। क्या ये बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे बताओ भाई, हो सकता है कि एफ एक्स किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो बट एफ ऑफ एफ एक्स उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस आ जाए। बट अगर ऐसा हुआ कि वो पॉइंट एफ एक्स की डोमेन में ही नहीं हुआ, तो वो पॉइंट एफ ऑफ एफ एक्स की डोमेन में कभी होगा ही नहीं, तो उस पॉइंट पे कभी कंटिन्यूटी नहीं आ सकती, इसलिए वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बट अगर एफ एक्स किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ एफ एक्स भी उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, ये नहीं कहा जा सकता। ये ध्यान रखिएगा, ये बात समझ पाए कि नहीं भाई? Yes, तो जो डिसकंटिन्यूटी की वजह है ना, वो वजह दूसरी है, वो वजह डोमेन की वजह से है, क्योंकि वो पॉइंट डोमेन से हट रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। क्या यहाँ तक बात सबको समझ में आई? बताइए। अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस होता तो एफ ऑफ एफ एक्स कंटिन्यूअस होता सर? ऑब्वियसली, अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ एफ एक्स हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते ना, क्योंकि एफ ऑफ एफ एक्स आप पहले कैलकुलेट करेंगे। हो सकता है एफ ऑफ एफ एक्स में कुछ ऐसा पॉइंट आ जाए जिसकी वजह से वो डिसकंटिन्यूअस हो जाए, तो ओके नहीं समझे तो ऐसा भी तो दोबारा। हाँ बोलो, दोबारा बता दिए सर एक बार। क्या चीज बताओ, वही बताओ सर। हो गया
भाई आप एफ ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स अपॉन एक्स माइनस टू माइनस टू, तो एक्स अपॉन एक्स माइनस टू एक्स प्लस फोर आ जाएगा, तो एक्स अपॉन फोर माइनस एक्स आ जाएगा। फिर आप एफ ऑफ एफ एक्स निकाल लेंगे, बोलिए, तो वो आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स माइनस टू अपॉन फोर माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस टू, तो एक्स अपॉन फोर एक्स माइनस एट माइनस एक्स आ जाएगा, तो एक्स अपॉन थ्री एक्स माइनस एट आ जाएगा। तो टोटल डिसकंटिन्यूस पॉइंट का क्या क्या आ गया, बोलिए, हाँ टोटल तीन डिसकंटिन्यूस पॉइंट आ गए। एक पॉइंट इसका खुद का आया, दो पॉइंट पीछे से आ रहे हैं इसकी वजह से, किसकी वजह से, डोमेन की वजह से, तो टोटल डिसकंटिन्यूस पॉइंट हो गए। टी जो होती है वो उसकी टाइप्स होते हैं अलग अलग टाइप के, वैसे तो अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन जनरली फ्रेम नहीं हुआ है, बट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपसे पूछी जा सकती है। एक बार बस मैं उसका चार्ट आपको समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखिए किसी भी फंक्शन को आप कंटिन्यूअस कब कहते हैं, जब आप कहते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर अगर आप एफ एक्स निकालें और एफ ऑफ ए निकालें दोनों बराबर आ जाएं तो फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस। अगर वो बराबर नहीं आए तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू ए कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। अच्छा अब ये दोनों बराबर नहीं आए तो इसके क्या क्या मतलब, अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो आपके हिसाब से इसकी क्या क्या वजह हो सकती है। भाई एक वजह से तो ये हो सकती है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट करे, बट एफ ऑफ ए जो है उसमें प्रॉब्लम हो, हाँ है ना। दूसरा ये हो सकता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स ही एग्जिस्ट ना करे, अगर लिमिट ही उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो इसका मतलब क्या होगा, बोलिए, डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। अच्छा अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और एफ ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा या एफ ऑफ ए नहीं है तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या ये बात समझ में आ गई, बोलिए। अच्छा अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो इसको हम कहते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई, तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो अब ये तो आप आराम से चेक कर लेंगे किसी पॉइंट पर अगर रिमूवेबल या नॉन रिमूवेबल में से कौन सी डिसकंटिन्यूटी, ये आपको चेक करना है तो सिंपल आप क्या काम चेक करेंगे, बोलिए, आप सिंपल ये चेक करेंगे कि उस पॉइंट पर क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। लिमिट कैसे एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, एलएचएल और आरएचएल से, अगर एलएचएल और आरएचएल है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एलएचएल आरएचएल दोनों फाइनाइट और इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर एलएचएल और आरएचएल दोनों फाइनाइट और इक्वल नहीं है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब रिमूवल टाइप डिसकंटिन्यूटी है और नहीं कर रही है तो नॉन रिमूवल टाइप डिसकंटिन्यू। अच्छा अब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बोलिए भाई, अब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उसके बाद एफ ऑफ ए पर अगर कंडीशन लगाएं कि एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड, एफ ऑफ ए कैसा है भाई, एफ ऑफ ए डिफाइंड ही नहीं है, तो उसे हम कहते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा अगर f ऑफ a डिफाइन है, f ऑफ a कैसा है भाई, डिफाइंड है, बट जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a एफ एक्स है वो f ऑफ a के इक्वल नहीं है तो उसे हम कहते हैं आइसोलेट पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो
अब आपको जब भी किसी भी क्वेश्चन में डिसकंटिन्यूटी चेक करनी होगी तो आप यही चीजें चेक करेंगे, उसके हिसाब से आप बता देंगे। जैसे इस केस में सिचुएशन आपको ग्राफिकली अगर आप देखोगे तो कैसी दिखेगी कि भाई लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, यानी LHL और RHL तो बराबर है, बट उस पॉइंट ए पर क्या है, फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। इस पॉइंट पे क्या है कि LHL और RHL ये तो बराबर है, तो ऑब्वियसली LHL और RHL सेम पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, और ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कहीं और डिफाइन है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये हो गया। अच्छा, अब अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या क्या सिचुएशन पॉसिबल है। पहली सिचुएशन तो ये पॉसिबल है कि LHL एंड RHL बोथ फाइनाइट बट नॉट इक्वल। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? LHL और RHL दोनों फाइनाइट हैं, मगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है। इसे हम कहते हैं फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। ओके, और अगर वन ऑफ LHL एंड RHL टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब LHL RHL में कोई एक कहाँ टेंड कर जाए, इनफाइनाइट टेंड कर जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे अगर इस केस की आप बात करो फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की, जिसका मतलब LHL भी फाइनाइट है, सही है ना, और RHL भी फाइनाइट है, बट दोनों आपस में उस पॉइंट पे बराबर नहीं है। क्लियर है? इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब एक लिमिटिंग वैल्यू ए पर कहाँ चली गई, इनफाइनाइट चली गई, और एक पर लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइटली डिफाइन है, तो ये हो गया इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो भाई। क्या है, मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं? क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये हो गया फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गई, है कि नहीं, आइसोलेट हो गई, मिसिंग पॉइंट हो गई। टोटल इतने टाइप की डिसकंटिन्यूटी आप देखेंगे, ठीक है ना। एक और होती है ऑक्सीलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जिसमें वैल्यू किसी रीजन के बीच में ऑक्सीलेट करते हैं, बट उसका इतना इम्पोर्टेंस है नहीं। समझ में आया कि नहीं भाई? देख लीजिए, क्लियर है? तो सबसे पहले अगर आपको डिसकंटिन्यूटी का टाइप चेक करना है किस टाइप की है, तो उसमें सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे कि लिमिट का क्या सीन है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो रिमूवेबल है, और अगर एफ ऑफ ए डिफाइन ही नहीं है तो मिसिंग पॉइंट है, मतलब एफ ऑफ ए है ही नहीं सिस्टम में। हाँ, है ना। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि एफ ऑफ ए आपके सिस्टम में है ही नहीं, लेफ्ट और राइट में वैल्यू डिफाइन है, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट में वैल्यू डिफाइन है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बट ए पर वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो वो मिसिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर ए पर वैल्यू डिफाइन है, हाँ है ना, और ए पर वैल्यू डिफाइन है और इसके साथ लिमिट, जो लिमिट है वो तो एग्जिस्ट कर ही रही है, और ए पर वैल्यू डिफाइन है बट वो लिमिट के बराबर नहीं है, तो उसे हम आइसोलेट डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। अब अगर LHL और RHL दोनों फाइनाइट है मगर इक्वल नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, इसी को कई जगह जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोला जाता है। जंप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी जो है वो एक जंप की तरह दिखती है। अगर हम इस फंक्शन को जंप करा के इस आपको यहां ले आए, तो हो सकता है ये कंटिन्यूटी में चेंज हो जाए, तो ये एक जंप होता है जो, और वो जो जंप होता है वो LHL और RHL के बीच में जितना गैप होता है ना, उतने गैप का जंप होता है। LHL और RHL के बीच में जितना गैप होता है उतने गैप का जंप होता है, तो इसे हम जंप टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में कुछ चीजें ऐसी हैं, क्लियर, जिनका यूज हो जाएगा और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन में उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए डिफरेंसिबिलिटी में जो एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं फंक्शनल रिलेशन पे बेस्ड। तो फंक्शनल रिलेशन का मतलब ये हो गया कि अगर हम कहें कि किसी पॉइंट, अगर हम कहें कि आपका जो फंक्शन एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है,
किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पर, तो इसका मतलब f डैश a को आप क्या लिखते हो, लिमिट s टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई h, इसे हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। आज की क्लास में भी डेरिवेटिव पढ़ेंगे, तो डेरिवेटिव के जितने भी फॉर्मूले निकाले गए वो इसी प्रिंसिपल को यूज करके निकाले गए। तो अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट a पर डिफरेंशिएबल है तो हम कह देते हैं कि f डैश a की वैल्यू लिमिट s टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f a बाई h के बराबर होता है। ये राइट हैंड डेरिवेटिव लिखा है कि नहीं, ऑब्वियसली आप इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के भी बराबर बोल सकते हैं, बट जनरली हम यूज इसी को करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली अगर डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में कोई डिफरेंस होगा क्या? अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में कोई डिफरेंस होगा क्या? बट ये यूज करना थोड़ा सा ज्यादा आसान पड़ता है, इसीलिए हम कह देते हैं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश ए का मतलब ये हो गया। तो सोच के बताओ कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब अगर हम इसी को जनरलाइज करें, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, तो हम f डैश x की डेफिनेशन को ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिमिट s टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। किसी भी डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए f डैश x का मतलब ये होता है। समझ में आ रहा है कि ना, इसे ही हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। बोलिए भाई, जहां हमें एफ डैश एक्स का यूज करना होगा वहां हम इसी डेफिनेशन को यूज करेंगे। अब ये डेफिनेशन कैसे यूज करते हैं, उससे इसकी हेल्प से क्वेश्चन कैसे सिंपलीफाई करते हैं उसको देखिए। जैसे ये क्वेश्चन देखो, सपोज एफ इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन और उसका एक रिलेशन आपको दिया होगा, तो जब भी आपको इस तरह का कोई रिलेशन दिया और आपको सिंपलीफाई करके फंक्शन निकालना हो तो हम इस एफ डैश एक्स वाली डेफिनेशन को यूज करते हैं। कैसे, हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पहले एफ एक्स निकाल लेंगे फिर एफ डैश थ्री निकाल लेंगे, या एफ डैश एक्स निकाल लेंगे फिर एफ डैश थ्री निकाल लेंगे। तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच लिख सकते हैं। अच्छा, आप ध्यान से देखिएगा, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच को आप क्या लिख सकते हो, एफ एक्स प्लस एफ एच प्लस एक्स एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एच स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर एच एक्स स्क्वायर एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। ये कैसे लिखा, दिखा सबको भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का रिलेशन हमें दिया था ना भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का रिलेशन दिया है, तो उसमें हम एक्स प्लस एच वाई की जगह क्या लिख दिया, एच लिख दिया सब जगह। अच्छा, ये रिलेशन लगाते ही एफ एक्स से एफ एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब यहाँ पे क्या आया, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ एच बाई एच, और यहाँ पे एच कैंसिल हो गया, एक्स प्लस सॉरी एक्स एच, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एक्स एच प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, चेक करो जरा। बोलिए भाई, अब बताओ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर एफ एक्स बाई एक्स क्या दिया हुआ है, वन, तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो पर एफ एच बाई एच भी क्या हो जाएगा, वन। समझ रहे हो कि नहीं, और जैसे इसमें एक्स को जीरो टेंड कराओगे ये एक्स स्क्वायर बनेगा, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। अब चाहो तो इंटीग्रेट करके आप एफ एक्स भी निकाल सकते हो, बट हमें यहीं पर एफ डैश थ्री निकालना था, तो तुरंत हम एफ डैश थ्री की वैल्यू क्या लिखेंगे, वन प्लस नाइन, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टेन। नहीं समझे, बोलो। अच्छा, यहीं पे अगर हमें एफ एक्स निकालना होता तो हम इसी को लिख देते डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, और दोनों साइड क्या कर देते। बोलिए भाई, क्या दोनों साइड इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो डी एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाता, इंटीग्रेट कर देते तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाती, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स प्लस एक्स। अच्छा, इंटीग्रेशन करते हैं तो सम कॉन्स्टेंट सी आ जाता है, हाँ या ना। अच्छा, अब आपने ये पढ़ा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर एफ एक्स बाई एक्स वन है, वन मतलब फाइनाइट है, तो इसका मतलब अगर ये जीरो जा रहा है तो ये भी कहाँ जाएगा, जीरो, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी होगी भाई, जीरो। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं,
तो यहाँ पर हम एक बार x को क्या रख देते, जीरो। तो जैसे ही जीरो रखते c की वैल्यू जीरो आ जाती है और एफ एक्स फंक्शन कैलकुलेट होके आ जाता है एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स। क्या ये बात सबको समझ में आई, ये बताओ। तो यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाला ये वाला रिजल्ट यूज़ किया एफ डैश एक्स की डेफिनेशन के लिए, और इसी रिजल्ट को यूज़ करके हमने ये वाला जो फंक्शनल रिलेशन हमें दिया था उसको यहाँ यूज़ करके क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दिया। क्या ये बात सबको समझ में आ रही, किसी को कन्फ्यूज़न आ रहा हो तो बताए मुझे। सेम लॉजिक लगाया होगा जी सर, एफ डैश एक्स को आपने लिख दिया होगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो शायद एफ एक्स प्लस एफ एच प्लस एक्स एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच आ रहा होगा। एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये शायद एक्स प्लस लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ एच बाई एच आ जाएगा, जिसको आप एक्स प्लस वन लिख देंगे। तो यहाँ से एफ डस एक्स कितना आ गया, एक्स सॉरी एक्स प्लस थ्री लिख देंगे। तो यहाँ से एफ एक्स कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस थ्री एक्स प्लस वन। यहाँ भी सेम एफ ऑफ जीरो जीरो ही होगा बिकॉज ऑफ द लिमिट। तो यहाँ पे जैसे आप सॉरी एक्स को जीरो रखेंगे तो सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जीरो। तो एफ एक्स फंक्शन क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस थ्री एक्स। यही आंसर निकाला होगा, बोलिए भाई समझ में आया कि नहीं, कोई कन्फ्यूजन। बनाना पड़ेगा, मतलब पहला तो इसमें टेक्निक यही है, एफ डैश एक्स की जो आप डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ टू एक्स प्लस टू एच बाई टू माइनस एफ एक्स बाई एच, और आप इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ टू एक्स प्लस एफ ऑफ टू एच बाई टू, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। देख लो भाई सब लोग, यही आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना। इसके आगे आपको एक सिंपल सा काम ये करना था भाई, हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ टू एक्स और टू एफ एक्स का रिलेशन चाहिए, हमें चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू दिया हुआ है, सही है ना। तो हम ऐसा करते हैं काम कि x को 0 रख दो और y को 2x रख दो, तो क्या ये एफ एक्स बन गया, ये बन गया एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 2x बाई टू, तो टू एफ एक्स आ गया माइनस टू। हाँ भाई आंसर माइनस टू बताया इन्होंने। अब यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2x की जगह या 2fx की जगह वैल्यू उठा के रख सकते हैं, तो क्या ये f ऑफ 2h माइनस f 0 बाई 2h बन रहा है, चेक करो जरा। तो इसी को आप लिख सकते हो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2h प्लस 0 माइनस f ऑफ 0 बाई 2h, तो क्या ये f डैश 0 लिखा हुआ है, और f डैश 0 क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है माइनस 1, इसका मतलब f डैश x कितना आ गया माइनस 1, इसका मतलब एफ एक्स कितना आ गया माइनस एक्स प्लस सी। अच्छा एफ ऑफ जीरो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, वन, बोलिए। तो सी की वैल्यू तुरंत कितनी आ गई, वन। तो एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में कितना आ गया, वन माइनस एक्स। देख लो जरा आराम से, नहीं आया समझ में, बोलो भाई एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, वन, वन दी है ना, तो सी की वैल्यू वन आ गई। अब आ गया, अब आपको एफ ऑफ टू निकालना था, तो एफ ऑफ टू कितना आ गया, वन माइनस टू, देन आंसर इज माइनस वन। क्या समझ में आया सबको, देख लीजिए आराम से। यहाँ पर एक्स प्लस वाई बाई थ्री होता, सही है। तो यहाँ पर रिलेशन यूज करने के लिए हम क्या करते, थ्री एक्स थ्री एच थ्री एच कर लेते, और फिर एफ ऑफ थ्री एक्स का यहाँ पे क्या आ जाता 3x और यहाँ 3, तो एफ ऑफ 3x का 3fx से रिलेशन निकालने के लिए यहाँ पे क्या रख देते 3x। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, तो उसके हिसाब से फिर सिंप्लीफाई हो जाता। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई, जिसमें एफ ऑफ x माइनस वाई ये रिलेशन में दिया होता है और आपसे fx के बारे में कोई आगे इंफॉर्मेशन करके पूछ ले रहा होता है,
और फिर वो आपको सॉल्व करके आंसर बताना होता है। तो आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में एफ एक्स फंक्शन हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। जब भी ये रिलेशन इस टाइप का मॉड लगा के दिया हो तो जो फंक्शन एफ एक्स होता है वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है। एफ एक्स हमेशा कैसा होता है भाई? कॉन्स्टेंट होता है। अब आपके दिमाग में आया होगा भाई ऐसा क्यों सर, ऐसे कैसे कह दे रहे हैं कि भाई इस रिलेशन में एफ एक्स हमेशा कॉन्स्टेंट होता है? भाई अगर हम किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें है ना, और उसका डेरिवेटिव जीरो आ जाए, या अगर हम ये प्रूफ कर दें कि एफ डैश एक्स जीरो है, तो फंक्शन तुरंत क्या बन जाएगा बोलिए? कॉन्स्टेंट। अब हम बस यही प्रूफ कर देंगे। अब ध्यान से देखना, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ वाई इज लेस देन टू टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई की पावर 3/2। हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, मॉड से डिवाइड किया तो टू टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई की पावर हाफ बचा, बोलिए। अच्छा अब अगर यहाँ तक पहुँच गए ना सब लोग, अब अगर हम एक्स को वाई प्लस एच से रिप्लेस कर दें, एक्स को किससे रिप्लेस कर दें? वाई प्लस एच से, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ वाई प्लस एच माइनस एफ ऑफ वाई होल डिवाइडेड बाई एच लेस देन टू टाइम्स ऑफ मॉड एच की पावर 1/2। दोनों साइड एच को जीरो टेंड कराओ जरा, तो एफ ऑफ वाई प्लस एच माइनस एफ ऑफ वाई बाई एच इज लेस देन लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टू टाइम्स ऑफ मॉड एच की पावर 1/2। अब ये क्या लिखा हुआ है? मॉड ऑफ एफ डैश वाई, और ये क्या लिखा हुआ है? जीरो। इसका मतलब कोई मॉड कभी निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो वो सर्टेनली क्या हो सकता है? जीरो के बराबर। अगर एफ डैश वाई जीरो है तो एफ वाई कैसा है? कांस्टेंट। समझ में आया कि नहीं? और अगर वो फंक्शन कांस्टेंट है तो एफ ऑफ जीरो अगर वन है तो इसका मतलब एफ एक्स फंक्शन भी हमेशा के लिए क्या होगा? वन। और अगर एफ एक्स वन होगा तो एफ स्क्वायर एक्स भी क्या होगा? वन। जीरो से वन में वन को इंटीग्रेट करना है तो आंसर क्या आ गया? वन। क्या ये बात समझ में आई सबको? तो जब भी अब आपके सामने इस तरह का रिलेशन दिया होगा, जब भी इस तरह का रिलेशन दिया होगा तो आप तुरंत अपने फंक्शन को क्या बोल देंगे? कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बोलो? कांस्टेंट। कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ। मतलब अब ध्यान रखिएगा कि इफ मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ वाई लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई की पावर के, के इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, के इज ग्रेटर देन वन, और के कोई भी रियल नंबर है वन से बड़ा, समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो हम कहेंगे देन एफ एक्स इज फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, देन एफ एक्स इज ऑलवेज कैसा होगा? कॉन्स्टेंट फंक्शन। अब जहाँ भी आपके सामने ये रिलेशन आएगा वहाँ आप कॉन्स्टेंट फंक्शन लगा के सीधे सिंप्लीफाई करके लिख दिया करेंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। कॉस टेन कॉस एक्स एक्स कॉट पावर एन, इन सब का डेरिवेटिव तो आप निकाल ही लेते हैं, ठीक है? फिर डिवीजन वाला डेरिवेटिव भी आप लिख लेते हो, मल्टीप्लीकेशन वाला डेरिवेटिव भी आप लिख लेते हो। मतलब अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हैं तो एक एक करके उनका डेरिवेटिव कर लेते हो ना। मतलब एफ एक्स जी का डेरिवेटिव पहले करेंगे और जी एक्स फिर एच का डेरिवेटिव करेंगे, हाँ है ना? ये सारे काम तो आप कर लेते हो। जैसे ही दो फंक्शन डिवीजन में आएंगे एफ एक्स बाई जी एक्स में, तो आप क्या करोगे? जी एक्स एज इट इज पहले एफ का डेरिवेटिव माइनस एफ एज इट इज जी का डेरिवेटिव और डिवाइडेड बाई जी एक्स का होल स्क्वायर, सही है? अच्छा इम्पॉर्टेंट बात आती है कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स का डेरिवेटिव। तो इसके डेरिवेटिव के लिए क्या है? जो फंक्शन जैसे मिलता जाए उसको डिफरेंशिएट करते जाओ। सबसे पहले एफ मिला उसको डिफरेंशिएट कर दिया, फिर जी मिला उसको डिफरेंशिएट कर दिया, और फिर एच मिला उसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये हो जाता है एफ डैश जी ऑफ एच ऑफ एक्स जी डैश एच एक्स और एच डैश ऑफ एक्स, ये कंपोजिट का डेरिवेटिव हो गया। समझ में आया? बाकी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होगा तो डेरिवेटिव से उसको बाहर कर लेंगे,
और ये सारी चीजें जो नॉर्मल डेरिवेटिव में यूज होती हैं उनको आप सिंपलीफाई करके सॉल्व कर लेंगे। हाँ या ना? चलिए ये तो बात हो गई बेसिक बेसिक डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट की। कंपोजिट का डेरिवेटिव आपका जैसे कंपोजिट के डेरिवेटिव से कुछ क्वेश्चन चाहो तो कर लो। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया एल एन एक्स प्लस रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ जरा व्हाट इज एफ डैश एक्स। सबसे पहले एल एन का डेरिवेटिव, फिर एक्स प्लस दिस का डेरिवेटिव, तो वन प्लस वन अपॉन टू रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स। ये पूरा डेरिवेटिव सिंप्लीफाई होके रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं, चेक करो जरा। तो बस सीधा आप इसको डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स क्या आ जाएगा। सबसे पहले इसमें मल्टीप्लीकेशन लगा देंगे तो एक्स बाई टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस टू एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स बाई टू का डेरिवेटिव बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू कॉमन, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे तो वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और वन बाई एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो वन बाई ए। देख लीजिएगा आराम से। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए बाई टू ए स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो ए भी कैंसिल हो जाएगा ना, या ए स्क्वायर बचा रहेगा, और शायद वन अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा आ रहा है देखो। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे टू, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। देखो भाई क्या सही लिख रहा हूँ मैं। अब जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। देख लीजिए समझ में आया कि नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फार्मूला लगा कि आपने सीधे इसका डेरिवेटिव सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? यस सर। इसके बाद अगला डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट आता है बाई यूजिंग लॉग। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, डेरिवेटिव बाई यूजिंग लॉग फंक्शन। ओके, तो लॉग फंक्शन में तो एक तो डेरिवेटिव ये होता है कि जब एफ एक्स में कई सारे फंक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड में दियो, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन का होल क्यूब है ना, और टू एक्स प्लस वन अपॉन रूट अंडर थ्री एक्स प्लस टू, और हमें इसको डिफरेंशिएट करना हो तो ऐसे तो यार इसको डिफरेंशिएट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम इसमें क्या करेंगे लॉग ले लेंगे। सही है ना? तो जैसे आप लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा एल एन एफ एक्स इज इक्वल टू टू एल एन एक्स थ्री एल एन एक्स माइनस वन प्लस टू एल एन सॉरी प्लस एल एन टू एक्स प्लस वन माइनस एल एन 3x प्लस 2 बाई 2। अच्छा, डोमेन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा फंक्शन उसी हिसाब से एडजस्टेड दिया है कि आप हर ln की डोमेन को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 बाई एक्स 3 बाई एक्स माइनस 1। अच्छा, 1 अपॉन 2x प्लस 1 और 2x का डेरिवेटिव, फिर 1 अपॉन 2 इंटू 3x प्लस 2 और इसके बाद किसका डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। इसी के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे एफ एक्स से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ एक्स के साथ यही डेरिवेटिव आ जाएगा 2 बाई एक्स 3 बाई एक्स माइनस 1 2 बाई 2x प्लस 1 और माइनस 3 बाई 2 इंटू 3x प्लस 2। और इसी को जहाँ हमें जैसे यूज़ करना होगा हम यूज़ कर लेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? फर्स्ट लाइन के आखिरी में अपॉन 2 कैसे आया था जी? कहाँ पे बेटा? फर्स्ट लाइन के, सॉरी सेकंड लाइन। क्या यहाँ पे पूछ रहे हो? जी 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 जी। यहाँ पे टू कैसे आया? यस सर, थोड़ा कुछ। यहाँ पे टू कैसे आया बता जल्दी। ये यहाँ पे तो बताए, यहाँ वाला लास्ट स्क्वायर वाली।
नहीं ना, नहीं x वो तो log की पावर में आता है ना, तो वो आगे आ जाता है, यहाँ पे क्या था एक्स स्क्वायर था उधर, तो इसलिए वहां पे आ गया। ओके 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 आ गया, भाई साहब, जब यहाँ आ रहा है तो यहाँ नहीं आएगा, फिर आ गया आ गया आ गया आ गया। चलिए। तो ये बात हो गई डेरिवेटिव लॉग के एक कॉन्सेप्ट की। जो कई सारे फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड में होंगे तब आप उसका लॉग ऐसे ले लेंगे। अच्छा, दूसरा लॉग का दूसरा सेगमेंट ये होता है कि अगर आपका फंक्शन ही फंक्शन की पावर में हो, यानी एफ एक्स की पावर जी एक्स हो, और तब आपको उसको डेरिवेटिव में लेना हो, तब आप लॉग का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इस डेरिवेटिव को लिखते हैं एल एन वाई, और यहाँ पर डेरिवेटिव लॉग लेके लिख देते हैं जी एक्स एल एन एफ एक्स। अब अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो तो इसको आप डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, वन अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है, जी एक्स बाई एफ एक्स इंटू एफ डेस एक्स, ठीक है ना, और प्लस एल एन एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, और फिर वाई से मल्टीप्लाई करके डी वाई डी एक्स लिख देते हैं। तो डी वाई डी एक्स क्या आ जाता है, एफ एक्स की पावर जी एक्स इन ब्रैकेट जी एक्स बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एल एन एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, और यही आप आंसर में लिख देते हैं। जब भी आपको एफ एक्स बाई जी एक्स का डेरिवेटिव लिखना हो और फिर आपको डी वाई डी एक्स निकालना हो तो उसमें भी आप लॉग का यूज़ कर सकते हैं। समझ में? अच्छा, ये फॉर्मूला आप ऐसे तो दिमाग में रख नहीं पाएंगे, तो इसको ऐसे दिमाग में रखिएगा, इफ़ वाई एफ एक्स की पावर जी एक्स में हो तो जो इसका डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स वो होता है एफ एक्स की पावर जी एक्स से पूरा मल्टीप्लाई, और फिर डेरिवेटिव किसका कर देते हैं, जी एक्स इंटू एल एन एफ एक्स का, जी एक्स इंटू एल एन एफ एक्स का। मेरी बात समझो, या एल एन ऑफ जी एक्स एफ एक्स का कर दो। मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं? तो इसको ऐसे दिमाग में रखिएगा, अब जहाँ भी आपको इसको यूज़ करना रहेगा वहाँ आप आराम से यूज़ करके सॉल्व कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? यस सर। जैसे आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो y इज इक्वल टू साइन x की पावर x को डिफरेंशिएट करना हो, ठीक है, तो क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखोगे, साइन x की पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x ln साइन x। अब x ln साइन x का डेरिवेटिव तो आप आराम से कर ही दोगे ना, बोलिए क्या आ जाएगा, x इंटू कॉट एक्स प्लस एल एन साइन एक्स, ये आंसर आ गया। दिखा क्या भाई सबको? तो जब भी एफ एक्स की पावर जी एक्स की फॉर्म होगी तो उसका डेरिवेटिव करने के लिए हम लॉग फंक्शन का यूज करते हैं। एफ एक्स की पावर जी एक्स की फॉर्म आएगी तो उसका डेरिवेटिव करने के लिए हम अपने लॉग फंक्शन का यूज कर लेंगे। क्लियर है? इसके बाद इसमें तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। इम्प्लिसिट फंक्शन, समझ में आया? मतलब अभी तक आप जितने भी फंक्शन पढ़ रहे थे उसमें y वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ x दिया था, इसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। समझ में आया? क्योंकि y और x वेरिएबल आपस में सेपरेट हैं, बट अगर x और y वेरिएबल आप आपस में सेपरेट नहीं कर सकते तो इसका डेरिवेटिव लेने का तरीका होता है। वैसे तो इसका डेरिवेटिव नॉर्मल, मतलब अगर आप पूछोगे तो डायरेक्ट वैसे ही सेम उसी मेथड से करते चले जाते हैं, बट एक पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब एक पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट होता है, वो ये कहता है कि डेल एफ बाई डेल एक्स, ठीक है, प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आती है वो आती है माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई। ये जो डेल रिजल्ट है ये पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव अभी आगे क्लास में समझेंगे, अभी के लिए इसको ऐसे समझ लो, ये एक रिजल्ट आपको कहीं लिखा मिल जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि रिजल्ट पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प से आ जाता है। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल टेकिंग अनदर वेरिएबल एज अ कॉन्स्टेंट, ये पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है। मतलब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं
कि एक फंक्शन मैं आपको दे दूं एफ एक्स कॉमा वाई के टर्म पे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब, और मैं आपसे डेल एफ बाई डेल एक्स पूछूं, तो आप एक्स के रेफरेंस में डेरिवेटिव करेंगे, जहां जहां वाई लिखा है उसको कांस्टेंट ले लेंगे, तो ये डेरिवेटिव आएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव होगा वाई स्क्वायर और थ्री क्या होंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, और ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। यहीं पे अगर मैं आपसे डेल एफ बाई डेल वाई पूछूं, तो आप वाई के रेफरेंस में डेरिवेटिव करेंगे और एक्स को क्या ले लेंगे, कांस्टेंट, तब वाई क्यूब का डेरिवेटिव जीरो। यहाँ डेरिवेटिव क्या आएगा, सिक्स एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर। क्या है, मेरी बात समझ में आ रहा है? ये पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है, मतलब अगर आप एक्स के रेफरेंस में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वाई को कांस्टेंट ले लेंगे, अगर आप वाई के रेफरेंस में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एक्स को कांस्टेंट ले लेंगे। क्लियर हुई बात की नहीं? बट हम इतना काम, जब हमको ऐसे इम्प्लिसिट में डेरिवेटिव करना होगा तो हम इतनी चीजें नहीं किया करेंगे। हम क्या किया करेंगे वो देखिए, जैसे क्वेश्चन आया आपके सामने एक्स की पावर वाई इक्वल टू वाई की पावर एक्स, और आपसे पूछा गया फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब ये एक्स और वाई है ना, तो आप एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल पाएंगे ना वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो ये एक फंक्शन आपको दिया हुआ है इम्प्लिसिट के तरीके, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए पहले स्टेप में लॉग ले लो, तो वाई एल एन एक्स सही है इज इक्वल टू एक्स एल एन वाई। अब पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रेफरेंस में, तो वाई इन बाई एक्स इन टू एल एन एक्स, वाई का डेरिवेटिव जहां आएगा उसको क्या लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एल एन वाई। इसका डी वाई बाई डी एक्स पूरा एक तरफ कंबाइन कर लो, तो एल एन एक्स माइनस एक्स बाई वाई, और बाकी सारे टर्म एक तरफ कर लो वाई बाई एक्स, और यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो। यहां से आराम से डी वाई डीएक्स की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताए, समझ में आया कि नहीं भाई? आराम से आप इम्प्लिसिट के तरीके डेरिवेटिव करेंगे, जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन दिया होगा वैसे आप सीधे डेरिवेटिव करके सॉल्व कर लेंगे, आपको करना है सही है ना। तो क्या ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो क्या हम इसमें लॉग ले सकते हैं, बोलो। तो एम एल एन एक्स प्लस एन एल एन वाई इज इक्वल टू एम प्लस एन एल एन एक्स प्लस वाई। अब फिर इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करो, तो एम बाई एक्स एन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई और वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स। एल एन एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव यही हुआ ना, सबसे पहले एल एन का डेरिवेटिव क्या, वन अपॉन एक्स प्लस वाई, फिर एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स। आप डी वाई बाई डी एक्स पूरा एक तरफ कंबाइन कर लो, क्या आएगा, एन बाई वाई माइनस एम प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई, और बाकी एक तरफ ले आओ, एम प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई माइनस एम बाई एक्स, देख लेना आराम से। अब यहाँ अगर सिंप्लीफाई करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, वाई इंटू एक्स प्लस वाई और एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई। देखिए x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, यहाँ पे एन वाई से एन वाई कैंसिल, यहाँ पे एम एक्स से एम एक्स कैंसिल, ये लिखा हुआ है एन एक्स माइनस एम वाई, ये भी लिखा हुआ है एन एक्स माइनस एम वाई, तो ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से भी कैंसिल, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, y बाई एक्स। दिखा क्या सबको, आंसर इज डी। यस सर। जी एक्स फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, f ऑफ टू एफ एक्स प्लस टू और इस पूरे का स्क्वायर, तो g डैश x क्या होगा, टू टाइम्स ऑफ f ऑफ टू एफ एक्स प्लस टू इंटू टू एफ डैश एक्स। क्या ये समझ में आया सबको? अब हमें क्या चाहिए, जी डैश जीरो चाहिए, तो टू एफ ऑफ टू
एफ जीरो प्लस टू इंटू टू एफ डैश जीरो हो गया। बोलिए भाई अब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू रख दो, एफ ऑफ जीरो इज माइनस वन, तो ये टू माइनस टू आ गया इंटू टू एफ डैश जीरो की वैल्यू रख दो, एफ डैश जीरो कितना दिया हुआ है वन, ये आ गया टू इंटू टू फोर एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो क्या दिया हुआ है माइनस वन, आंसर इज माइनस फोर। चेक करिए भाई मल्टीप्लाई, तो क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपलीफाई हो जाएगी। तो कई बार क्या होता है डेरिवेटिव लगाने से पहले आप अपने फंक्शन को सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, तो जैसे आप वन माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो वन माइनस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ क्या बनाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ क्या बनाएगा वन माइनस एक्स की पावर फोर, ऐसे करते करते ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा वन माइनस एक्स की पावर 64। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब तो डिवीजन फार्मूला आ गया, अब सीधा आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो। बोलिए यहाँ आ जाएगा वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बोलो, और यहाँ क्या आएगा वन माइनस एक्स इंटू माइनस 64 एक्स की पावर 63 माइनस वन माइनस एक्स की पावर 64 इंटू माइनस वन, देख लीजिए आराम से, और फिर इसमें एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे हाफ रख दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है बताओ। तो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है जैसे एक्स को हाफ रखोगे वन माइनस हाफ माइनस 64 बाई टू, वन बाई टू की पावर 63 और प्लस वन माइनस वन बाई टू की पावर 64 और होल डिवाइडेड बाई वन बाई फोर। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो तो वन बाई टू की पावर 64 ये ले लिया माइनस ये है तो वन माइनस 65 वन बाई टू की पावर 64 दिख रहा है कि नहीं, और पूरे में डिवाइड क्या हो रहा है वन बाई फोर, अब इसी को एडजस्ट कर दो सही है, तो आंसर में क्या आ गया फोर माइनस 65 वन बाई टू की पावर 62 क्या, बोलो भाई देखिए समझ में आया कि नहीं, बस सीधा डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करके किया गया और वैल्यू रख दी गई, आया ना समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से बताओ फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लो एट का और सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लो सिक्स का, और दोनों को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, तो 64 माइनस 36 इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू 40 प्लस 8 एक्स माइनस 30 माइनस 6 बाई एक्स। अब इसी को क्या कर दो डिफरेंशिएट करके एक्स की वैल्यू माइनस वन रख दो, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, बस इसी को डिफरेंशिएट करो तो एफ डैश एक्स कितना आ रहा है 64 36 8 24 आ रहा है क्या ये 28, और यहाँ से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो ये 8 प्लस 6 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स को हमें क्या रखना है भाई माइनस वन, तो एफ डैश माइनस वन देखो कितना आ रहा है, बोलिए भाई जैसे ही माइनस वन यहाँ रखोगे तो ये 14 आएगा, तो एफ डैश माइनस वन की वैल्यू क्या हाफ आ रही है, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, ओहो क्वेश्चन क्या दिया है भाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स दिया है ना, तो पहले यहाँ से एफ एक्स निकालो क्या आ रहा है एफ एक्स 10 प्लस 8 एक्स माइनस 6 बाई एक्स बाई 28, अब y निकालो तो 10 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स बाई 28, अब आप डी वाई डी एक्स निकाल लीजिएगा कहाँ पर x इक्वल टू माइनस हो जाएगा कि नहीं बताओ भाई। सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं? सबसे पहले एफ एक्स को ही लिख दो ln of ln x divided by ln x square मतलब 2 ln x, अब डिफरेंशिएशन लगा दो तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 2 ln x 1 by ln x
इंटू वन बाई एक्स माइनस एल एन ऑफ एल एन एक्स डिवाइडेड बाई टू बाई एक्स और होल डिवाइडेड बाई क्या आ गया बोलिए, टू एल एन एक्स का होल स्क्वायर। तो टू कॉमन करके बाहर कर लो, एल एन एक्स कैंसिल, वन बाई एक्स माइनस एल एन ऑफ एल एन एक्स बाई एक्स और साथ में क्या आ गया वन बाई एल एन एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें ये डेरिवेटिव कहाँ निकालना है, ई पे निकालना है, तो वन बाई एल एन ई क्या हुआ वन जीरो 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 एल एन ई वन, तो वन बाई टू ही आ गया। देख लो आराम से, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए तो अब इस डेरिवेटिव को सिंपलीफाई कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद एक डेरिवेटिव की फॉर्म ये भी हो सकती है कि कई बार डेरिवेटिव में ऐसे ही फॉर्म आते हैं जैसे एफ एक्स फंक्शन जो है वो जैसे दिया हो साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा हूँ और हमें इसमें से डी एफ एक्स बाई डी एक्स निकालना है, सही है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट होता है उतने पूरे फंक्शन को उठा के एफ एक्स लिख देते हैं। तो अगर हम आपसे कहें वाई इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर एंड सो ऑन चल रहा है, तो यहाँ से पूरा रिपीट हो रहा है, तो इतने फंक्शन को हम उठा के क्या लिख देंगे, इतने फंक्शन को उठा के हम सीधा क्या रिप्लेस कर देंगे, वाई लिख देंगे। वाई इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर वाई आ जाएगा और यहीं पे हम डिफरेंशिएशन लगा देंगे, तो एल एन वाई इज इक्वल टू वाई एल एन साइन एक्स आ जाएगा। अब आप डिफरेंशिएट करके वाई निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई वाई डी एक्स वन अपॉन वाई ना इज इक्वल टू वाई इन टू इसी को आप सिंप्लीफाई करके लिख देंगे वन बाई साइन यानी वाई इन टू कॉट एक्स प्लस एल एन साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बाद में आप डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ कंबाइन कर लेंगे और वहां से आपका आंसर आ जाएगा वाई कॉट एक्स अपॉन वन अपॉन वाई इंटू एल एन साइन वाई, यही आपका आंसर होगा। क्या बात सबको समझ में आ रही है, बताइए। यस सर। जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी आप सीधा सिंप्लीफाई करके अपना देखो यहाँ पर x को क्या लिख देंगे e की पावर y plus x y plus x, तो दोनों साइड क्या ले लेंगे log ले लेंगे, तो ln x क्या आ जाएगा x plus y, दिख रहा है कि नहीं सबको। अब इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1 by x is equals to 1 plus dy by dx और आपको dy by dx से निकालना है, तुरंत dy by dx का आंसर क्या लिख दोगे बोलो, 1 माइनस एक्स बाई एक्स। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बताइए। हाँ भाई आंसर आ रहा है, एक्स बाई एल एन एक्स इंटू वन बाई एक्स प्लस एल एन ऑफ एल एन एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ तक तो पहुँच गया होगे, बोलिए। अच्छा अब इक्वल टू जीरो, हाँ सॉरी इक्वल टू जीरो आ गया, इक्वल टू, हाँ यहाँ तक तो पहुँच गया होगी। अच्छा अब इसमें हमें एक्स की वैल्यू ई रखनी है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो वाई भी है भाई, हाँ है ना। तो अब इसकी टेक्निक क्या होती है, अब इसकी टेक्निक क्या होती है, क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू पहले डाल के वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ अब इस टाइप की जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो इसमें ध्यान रखिएगा, जब भी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दिया हो ठीक है और हमें फाइंड करना हो डी वाई वाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू लैम्डा पे, सर बी आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एट एक्स इक्वल टू लैम्डा फाइंड करते हैं व्हाट इज वाई, इसके बाद डी वाई वाई डी एक्स फाइंड करते हैं एक्स इक्वल टू लैम्डा और वाई की जो वैल्यू हमने निकाली है वहां पे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। जब भी हमें किसी कंपोजिट फंक्शन में ऐसा काम करना होता है, सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन में ऐसा काम करना होता है, तो पहले एक्स रख के वाई निकाल लेते हैं, समझ में आया। तो सबसे पहले एक्स इक्वल टू ई रख के वाई निकाल लो जरा, तो जरा इस वाले फंक्शन में एक्स को ई रखो, बताओ वाई क्या आ रहा है, तो एल एन ई वन एल एन वन तो वाई की वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 प्लस ई स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट अंडर 4 प्लस ई स्क्वायर, सही बोल रहा हूँ क्या मैं, ये ऑप्शन
बोलिए भाई, यस सर। आप जैसे इसमें एक्स को ई रखोगे तो एल एन ई वन, ई से ई कैंसिल, ये तो वन हो गया, ये तो जीरो हो गया, ये क्या हो गया टू ई, ये हो गया वन माइनस टू ई इज इक्वल टू माइनस टू वाई फोर प्लस ई स्क्वायर। दिखा क्या, बोलिए भाई। और इंटू डी वाई वाई डी एक्स, यहाँ से डी वाई वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, टू ई माइनस वन अपॉन टू रूट अंडर फोर प्लस ई स्क्वायर। बी आंसर आ रहा है, बोलिए समझ में आया कि नहीं। आ रहा है सर, आ गया।